नमस्कार दोस्तों, इंडियन गुरु जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सॉलिड के 6303 बॉक्स को किस तरह से ओपन बॉक्स कर सकते हैं। इससे पहले मैं कुछ ऑप्शंस आपको बता देता हूँ इस बॉक्स के, कि ये ऑप्शंस जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये आप देख सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन है इसमें कुछ चेंजेस होंगे और ये ओपन बॉक्स बन जाएगा। यहाँ पर ये जो यूटिलिटी ऑप्शन है उसमें आप सारे जो ऑप्शन हैं उनको अच्छे से देख लीजिएगा। सिस्टम इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्री, सॉफ्टवेयर अपग्रेड और वेदर यूट्यूब, ये ऑप्शंस में हम चेंजेस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि जो फाइल है जो जिससे ये सॉफ्टवेयर इसमें डाल सकेंगे हम, वो फाइल मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, वो आपको डाउनलोड करनी है। और डाउनलोड करने के बाद में इस तरह से इस पेन ड्राइव में कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में वो उसे एक्सट्रैक्ट करके बिन बिन फाइल है उसे एक्सट्रैक्ट करके बिन फाइल में कन्वर्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट आपको बिन आर जो है सॉफ्टवेयर उसके थ्रू करना होगा। इसके बाद में जब इसमें कॉपी हो जाती है पेन ड्राइव में वो फाइल, होने के बाद में इस तरह से यूएसबी आप कनेक्ट कर देंगे। और यूएसबी को कनेक्ट करने के बाद में हम जाएंगे सॉफ्टवेयर अपग्रेड में, क्योंकि हम करना चाहते हैं इस डिवाइस का सॉफ्टवेयर अपग्रेड। और अपग्रेड करने से हमें कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसा कि इसकी वारंटी समाप्त हो जाएगी। और यह आप अपनी रिस्क पे करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में हो सकता है कि बॉक्स ख़राब भी हो जाए। और अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है बीच में तो बॉक्स बुरी तरह डेड हो सकता है, इसमें परेशानी आ सकती है। तो अभी हम सॉफ्टवेयर अपग्रेड पे करेंगे। यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपग्रेड बाय यूएसबी, तो इसे यूएसबी रखेंगे। सिलेक्शन इसे ऑल रखेंगे। फाइल का पाथ सेलेक्ट करेंगे जिस सभी जगह से, जैसे कि यूएसबी सी मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। इसमें ये एक्सक्लूजर X007 बिन एक सॉफ्टवेयर है जो अभी इसमें इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इंस्टॉल करने के लिए ये ओके का बटन प्रेस करेंगे और ये इंस्टॉल होगा। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि पावर कट नहीं करना है। अगर इस समय पावर कट हो जाता है तो इस समय आपको समस्याएं हो सकती हैं। अभी बॉक्स प्रोसेस हो रहा है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा है। इसमें अपग्रेड होने के बाद में ये ओपन बॉक्स बन जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको बता रहा हूँ ओनली एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ, जो चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। बट ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे आपके सॉफ्टवेयर की जो ये सेटअप बॉक्स है उसका वारंटी खत्म हो जाएगा। तो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करें। इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन कर दिया है। और जैसा कि देख सकते हैं एक्सक्लूजर इंटरटेनमेंट अनेबल्ड आ रहा है, जैसे कि जो सॉलिड का बॉक्स है ये देख सकते हैं 6303, जिसका मैंने रिव्यू भी किया है, वो बॉक्स एक्सक्लूजर का बॉक्स बन चुका है। इसका जो फ्रंट पेन है वो भी चेंज हो चुका है, फ्रंट का जो डेस्कटॉप आता है वो भी चेंज हो चुका है। इसके बाद में जो चेंजेस हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू में जाने के बाद में यहाँ सारे ऑप्शंस वही रहेंगे, इस तरह भी सारे ऑप्शन, यूटिलिटी में भी ऑप्शन वही है। जो चेंजेस हुआ है वो चेंजेस अब आएगा। आपको एक पिन डालना है 2778। 2778 डालते ही आप देख सकते हैं एक ऑप्शन एक्स्ट्रा में यहाँ आपको मिल चुका है, जिसका नाम है एक्सेस कंट्रोल, जिससे हम एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं इसका। अब जैसे कि एक्सेस कंट्रोल पे हम जाते हैं, यहाँ मैं दिखाता हूँ क्या क्या ऑप्शन मिल चुके हैं। यूएसबी फाइल बाय यूएसबी, यहाँ से यूएसबी से फाइल इंसर्ट कर सकते हैं। ये कुछ कोड्स यहाँ पे मिल चुके हैं जो ओपन बॉक्स के लिए जरूरी होते हैं। सीसी केम इसमें स्टार्ट हो चुका है, एमजी केम क्लाइंट सेटअप है, की एडिटर मिल गया है जिसमें की एडिट की जा सकती है। और ये स्मार्ट कार्ड इन्फॉर्मेशन, जैसा कि स्मार्ट कार्ड का कोई भी ऑप्शन अभी तक इसमें नहीं मिल रहा था, लेकिन अब स्मार्ट कार्ड इन्फो का ऑप्शन मिल चुका है, जिसमें स्मार्ट कार्ड जो इसमें लगाते हैं वो इसे रीड किया जा सकता है। तो अभी इसमें रिमूव्ड है, स्मार्ट कार्ड नहीं लगाया गया है, ये नहीं दिखाई दे रहा। ये देख सकते हैं यहाँ पे स्मार्ट कार्ड लगता है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन आ रही है कि स्मार्ट कार्ड नहीं है इसमें कुछ नहीं। तो अभी ये पूरी तरह ओपन बॉक्स बन चुका है सर, जो आप यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह की हैक एंड ट्रिक लगातार मिलती रहेगी। और जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा।